करें प्रदेश में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार नगर निगम अलर्ट मोड पर है, जहां पर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव शहर की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर सर्किल पर निरीक्षण की शुरुआत की और मालवीय नगर, मानसरोवर, जगतपुरा जोन स्थित विभिन्न इलाकों का जायजा लेने के साथ ही निगम आयुक्त निकले। राजपूत सभा भवन के बाहर गंदगी मिलने पर उन्होंने चालान करने के निर्देश दिए। वहीं हजारीबाग में बायोमेट्रिक और कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त ने SMS स्थित इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, प्रदेश की जहां हम देखें राजस्थान के लगातार नगर निगमों को लेकर सवाल उठ रहे थे, सफाई व्यवस्थाओं को लेकर फिर सवाल उठे, जिसे लेकर ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे। देखिए, राजधानी की सफाई व्यवस्था जिस तरह से सरकट हो रही है, कुछ जो कमिश्नर हैं उन्होंने आज फिर से दौरा किया है और विजिट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हो चुका है और केंद्र सरकार की टीम कभी भी जयपुर आ सकती है। तो ग्रेटर नगर निगम के सभी जोन है वहां पर आज सुबह 8 बजे से ही जो कमिश्नर है यज्ञ मित्र देव सिंह वो दौरा कर रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को। राजधानी में जब वो दौरे पर निकले तो कई जगह ऐसी स्थितियां भी आई जहां पर गंदगी के ढेर लगे थे और उन स्थितियों से निपटने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए, साथ ही कैरिंग चार्ज वसूलने और इसके अलावा चालान काटने और कुछ बिल्डिंगों को सील करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। इसके अलावा हाजरीगाह पर सफाई कर्मियों के नहीं आने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और उन लोगों को नोटिस देने की बात भी कही है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में अगर शहर की रैंकिंग अच्छी आती है तो इससे शहर की जो छवि होती है वो भी सुधरती है, लेकिन अगर सफाई व्यवस्था को लेकर हमेशा ही जयपुर नगर निगम निशाने पर रहा है तो ऐसे में आज जो कमिश्नर है ग्रेटर नगर निगम के, उनका दौरा इसी परिप्रेक्ष्य में माना जा सकता है और शहर की सफाई व्यवस्था साफ सुथरी हो, डोर टू डोर कचरा परिवहन व्यवस्था सुधरे, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे जुड़े हुए थे। तो बता दें कि सफाई व्यवस्थाओं को लेकर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त ने पहल की और आज खुद वह शहर की सफाई व्यवस्थाओं के जायजे के लिए निकले।